प्रसिद्ध टिकटॉक सबके दिलों को चाहने वाले भाविन भानुशैली मल्टी चहर मल्टी हमारे बीच मल्टी चार मल्टी चहर हमारे बीच में मौजूद हैं और मैम शालू जी। तो मेरा सवाल आपसे है कि इश्क पश्मीना, अगर पश्मीना की बात करें तो पश्मीना एक भेड़ के सॉफ्ट रोहे से शॉल बनाया जाता है, बहुत फेमस है पश्मीना शॉल। तो क्या इश्क पश्मीना भी इसके सॉफ्ट ताने बानों से बनी गई फिल्म है? अगर आप कहें तो यही माना जा सकता है, क्योंकि इस को लव होता है और पश्मीना यानी प्योरिटी से इसका दोनों को जोड़ करके प्योरिटी ली गई है। तो इस पश्मीना का मतलब कि प्योर लव, वो लव जो आपके दिल को छू करके ऐसे निकले। पश्मीना के जो मतलब आप समझ सको वैसे मतलब है। कोई पश्मीना को प्योर मानता है, कोई सॉफ्ट मानता है, कोई अनब्रेकेबल मानता है, तो कोई महंगा मानता है। और प्यारे सब कुछ है, सॉफ्ट भी है, प्योर भी है, अनब्रेकेबल भी है और महंगा भी है। तो ऐसी अनेक भावनाएं आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगी। भावना, आप एक बहुत अच्छे अभिनेता, साथ में सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चाहने वाले टिकटॉक के फेमस, और एक अपनी फिल्म की थी दे दे प्यार दे, विकी गब्बर का टब्बर समथिंग, तो अब इसमें एक लीड रोल में आ रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग आप उसको मान रहे हैं? लीड रोल तो चैलेंजिंग होता ही है, क्योंकि आपके कंधों पे जब आप एक मूवी का फेस हो तो लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और आप ही को जज करने वाले हैं, देखते हैं कि कितना दूर तक जाएगा ये। तो ये बोझ आपके कंधों पे हमेशा होता है, बट आई एम ग्लैड कि हमारी टीम जो है कि ऐसा कुछ हम पे ऐसा है नहीं, हम पे बोझ है नहीं। हमारा मकसद है अच्छा सिनेमा बनाना, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ बॉलीवुड में उतरना, क्योंकि अभी तो शुरू हुए ना, अभी तो बहुत दूर तक जाना। अभी ये सब बोझ लेके चलेंगे तो हमें कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन कोई चीज़ बोझ नहीं होता है हमारे इन दोनों एक्टर्स ने, बोझ नहीं, अपना फुल कर्तव्य समझ करके अच्छा रोल इन्होंने अदा किया है। जैसे लोगों का जो सोचना था, कहना था, उससे बेटर इन्होंने किया है। चाहे मारुति चहर, चाहे हमारे भाभी भानुशाली ने, दोनों ने बढ़िया किया। और इनके साथ मेरी टीम इस पश्मीना की एंड कृष्णा शांति प्रोडक्शन के सारे लोग, अरविंद पांडे जी डायरेक्टर, सभी ने एक साथ मिलकर के बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मूवी अच्छी बन करके आई है। सारी ऑडियंस को ये अच्छी भी लगेगी। बाकी कुछ मालती जी आप बोलो। मालती, आप एक इसमें विशेष भूमिका निभा रही हैं और एक आप जीनियस में भी काम किया आपने, ठीक है, और एक आप इंडियन क्या कहते हैं, मिस इंडिया में भी फाइनलिस्ट रह चुकी है, तो आपने अपने इस सफर को किस तरीके से देखा है? किस तरीके से देखा है मतलब, हाँ, कब से अब तक का सफर? काफ़ी मेहनत की है मैंने, और ऑब्वियसली कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो हर न्यूकमर की तरह मेरा भी वही स्ट्रगल, आप तो जानते ही हैं मुझसे क्या स्ट्रगल होता है। और जब मैं गई थी मैं 23 साल की थी, तो कोई पढ़ाई नहीं थी एक्टिंग में, फिल्म मेकिंग में, तो वो एक अलग स्ट्रगल था। इंजीनियरिंग पढ़ के आई हूँ, दोबारा पढ़ाई करनी पड़ी, फिर यार कुछ भी टफ जर्नी, फाइनली मैंने मूवी की फिल्म चलेगा। मुझे एक ही लाइन आती है उसकी, क्योंकि हमने शूट कर दिया था उसके बाद गाना सुना मैंने, हमने शूट तभी गाना नहीं बजा था, ऐसा कोई गाना नहीं जिसमें मैं नाचना पड़ा है। ये गाना बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, सुन के रिलीज हो रहा है 1 बजे। हाथ आते नहीं साए पकड़ता, हाथ आते नहीं साए पकड़ता एक जाते जाते आखिरी सवाल कि आपकी 23 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो हमारे दर्शकों से आप क्या? हाथ जोड़ करके विनती है हमारे दर्शक से, क्योंकि आप ही हमारे अन्नदाता सब कुछ हो,
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रोडक्शन हाउस भी नया है, मैं भी नया हूँ, मेरे डायरेक्टर भी नए, हमारे स्टार कास्ट जो है बेचारे, इनका भी डेब्यू मूवी है, तो आप लोगों का प्यार से ही हम कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 23 सितंबर को इश्क पश्मीना मूवी रिलीज हो रही है, आप लोग जरूर देखने जाएँ, जरूर देखने जाएँ। थैंक यू पूरी फैमिली।